आइए आज दो दिन का जो सेमिनार चल रहा है विज्ञान भवन के अंदर, कुछ हस्तियों ने जो भारत की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ शिरकत ली, महामहिम राष्ट्रपति जी और भी साथी थे, और हमारे बीच में केबी चौधरी जी जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन को चला रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और यही जो आज विज्ञान भवन के अंदर जो खचाखच भरा हुआ था, ये आप लोगों की देन है। सर, आज का जो दो दिन का जो ये सेमिनार है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत की सरकार को जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार हैं, भारत के संविधान में जो प्रदत्त प्रावधान हैं उनका कोई अनुपालन नहीं हो रहा है, तो हमारा आज ये उद्देश्य है कि अपने समाज को इस सेमिनार के माध्यम से जागरूक करें, उनको उनके अधिकारों के बारे में प्रॉपर जानकारी मिले, साथ साथ भारत की सरकार के जो दायित्व हैं जिनका निर्वहन सरकार नहीं कर रही है, सरकार को भी आगाह हमारा करने का उद्देश्य है कि सरकार अपना एक पहल करे SC ST के डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने भी आज ये माना है कि SC ST के बारे में जो डेवलपमेंट की योजनाएं उनका ज्ञान भी SC ST के लोगों को नहीं है। महामहिम ने आज अपने शब्दों में ये कहा है कि SC ST के लोगों का विकास नहीं हुआ है, जो लोग शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, जो नौकरी पा गए हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग गाँव के गरीब लोगों की तरफ देखें जहाँ पर आज रोटी की समस्या है। तो महामहिम ने अपने पद की गरिमा के अनुरूप बोलते हुए और उसके ज़्यादा समाज की तरफ अपना झुकाव दिखाते हुए आज बहुत सारी बातें आज हमारे इस सेमिनार में कही हैं, जिनका निश्चित रूप से समाज में एक सही मैसेज जाएगा, सरकार में सही मैसेज जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री जी उन पर गौर करेंगे, विचार करेंगे। और हमारे इस सेमिनार का दो दिन का उद्देश्य, जो माननीय अटवाल साहब जो कि डिप्टी स्पीकर लोकसभा एक टर्म रह चुके हैं, दो बार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, उनकी पूरी टीम जो पंजाब से यहाँ पर दिन रात, हमारे जीवन सिंह जी जो हमारे ऑल इंडिया के CEC मेंबर हैं, वो भी इस टीम के ऑर्गेनाइजर्स में मेन मुख्य जो है संयोजक हैं, हमारे राजेश बग्घा साहब जो SC कमीशन के पंजाब स्टेट के चेयरमैन हैं, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है इस कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाने में, तो मैं इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का भी आज उनके आए और उन्होंने आज अपने मन की बात कहकर के समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की, हम राष्ट्रपति जी का भी आज आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। देश के कोने कोने से जो हमारे वक्तागण यहाँ पर आए हैं, जो हमारे श्रोतागण यहाँ पर आए हैं, उन सब ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। कल भी ये सेशन शुरू होगा, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मॉर्निंग के सेशन में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और इसमें कल शाम को जो प्रस्ताव पास होंगे उनकी विस्तृत जानकारी मीडिया के लोगों को दी जाएगी। धन्यवाद सर।